अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो जी मैं अपने भाई और भाभी नहीं, वो दोनों मेरे भाई और सिस्टर हैं, उनके घर पहुँच चुकी हूँ। तो बहुत खुशी हुई, अल्लाह का शुक्र है कि भाई हम लोग खैर खैरियत से पहुँच गए और आप लोगों की दुआएँ भी हमारे साथ थी। तो जी अब उनसे मिलते हैं। तो ये सिस्टर है मेरी, आप लोग तो इनको अच्छी तरह जानते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है और नहीं ये वाकई फ्रेश फील हो रही है। तो नहीं बल्कि ये पूरे वो हम कहाँ गए थे, हम नगान गए थे, कहाँ कगान गए थे, तो वहाँ पे भी हमें एक सब्सक्राइबर मिले थे जो आप लोगों को भी देखते थे, हमें भी देखते थे ना। तो वो पूछते हैं कि हाँ जी मिंटू फैमिली क्या हाल चल, ठीक है जी। अच्छा जी वो फिरोज भाई लोगों की निशा का क्या हाल है, ठीक ठाक है माशाल्लाह, ठीक है। तो अक्सर लोग हैं जो हमें अगर मिले हैं ना तो आप लोगों को भी बल्कि आप लोग जाते हैं, फील्ड ही ऐसी है। तो अलग पाकिस्तानी सेम सेम है, पाकिस्तानी सेम सेम है, आपको इंडिया से ज्यादा देखते हैं, हमें पाकिस्तान से ज्यादा देखते हैं, बस ये फर्क है। असल में आपकी ना भाई क्या है ये, इसलिए हाँ ये इलियस है ना। तो वो नहीं अक्सर का मतलब पीछे बैकग्राउंड जो होता है ना वो लोग मूव करके आए होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लेकिन बहुत अच्छी है, और जो छोटा सा बेबी है ना वो भी बिल्कुल इनकी तरह हंसता रहता है। ये जब वीडियो में हंसती थी ना तो ये मुझे कहते थे इसकी तरह हंसा कर, मैंने कहा वो अपनी तरह हंसती है, मैं अपनी। और यहाँ पे हम लोग इतना सारा ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है ना, ये टीवी है, अच्छा जी तो पढ़ाते हैं, एक बच्चा तो वो पढ़ रहा है पहले लगा हुआ है पढ़ बोलते हैं। अच्छा जी तो ये थोड़े से गिफ्ट हैं जो सुरेश लाया था इनके, ये गिफ्ट पेपर फिर हम लोगों ने मिल के पैक किए थे, आप लोगों ने देखा भी होगा कि किस तरह पैक की है। तो हमारी ये छोटी सी काविश है गिफ्ट पैक करने की, तो उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगी और हमारे छोटे से भांजे भतीजे दोनों ही है हमारा, तो उसको भी पसंद आई होगी। तो इसमें हम ये बता देते हैं कि ये हमारा जो है भतीजा उसके लिए भी है, हाँ जी, हमारी जो बहन है उसके लिए भी है, और हमारी जो ये हानी है ये कोई नहीं है, इंजन कोई दुनिया नाम कोई फिक्र नहीं, मेरे लिए क्या है तुम्हारे पास दोस्त, तुम आपको शर्म नहीं होती है खिलाई दे देने वक्त सारे बस दोनों का नहीं दुआ मटे सारी देखे ना आपके भाई पता है ना, जब भी कोई घर में आता है ना कोई चीज भी लेके आता है वो मेरे लिए नहीं होती, या तो इनके लिए होती है या बच्चों के लिए होती है, हमेशा हमने भी ये सोचा कि जब मुझे कौन तो मैं आपको क्यों दूं भाई तेरा ढेर का ना मैंने ली थी, मैंने इन्हें कहा कि अपने भाई के लिए कुछ लेना तो ले लो, नहीं नहीं इनके लिए मैं मिठाई का डब्बा ले खा मेरे पोते खा इसका। अच्छा जी तो ये है स्पेशल आपकी सिटी की है? हाँ ये हमारे सिटी की है, ये हमारे एरिया की मतलब सबसे ये मशहूर है, मशहूर है। अच्छा जी तो ये गिफ्ट है जो मैं बड़ी बेचैन हूँ देने के लिए, तो ये दे देते हैं मामा को, तो ये आप सबके लिए, हाँ जी। तो ये आपका मुझे एक सब्सक्राइबर कह रही थी कि अगर आपने सुहान के लिए लिया ना तो हानिया के लिए, तो मैं हानिया को कैसे भूल सकती हूँ, वैसे भी बेटियाँ मुझे हमेशा याद रहती हैं, मुझे वैसे भी बहुत शौक है लड़कियों की शॉपिंग करने का, और अक्सर साथ में करती रहती हूँ, तो औरतों को लड़की की शॉपिंग का वैसे बहुत ही शौक होता है, मुझे बहुत शौक है हानिया की, जब भी जाती हूँ कोई ना कोई चीज लेके आती हूँ, शौक उसकी जरूर होती है। तो आपने ये देखने हैं और बताने आपको कैसे लगे, थोड़े से बड़े होंगे मुझे फील होता है, थैंक यू सो मच आपके गिफ्ट के लिए, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, नहीं नहीं ये गिफ्ट की जरूरत नहीं थी, ये हम सिर्फ शौक से लाए हैं, ठीक है ना, हाँ जी शौक होते हैं अपना। बहुत बहुत शुक्रिया, बल्कि कहना चाहिए कि हमें मौका मिला कि हमने अपने भांजे को गिफ्ट दी है, तो अल्लाह ताला ऐसी खुशियाँ बरकरार रखे। ये हम यहाँ पे नहीं खोलेंगे, बिल्कुल ना खोलेंगे, बिल्कुल नहीं नहीं जो डायरेक्शन होता है वीडियो नहीं बनाएंगे वो, हम खुद का ड्रेसअप बनाएंगे, ये गिफ्ट ना देने का वो बदला लिया है मैंने, वैसे इनको नहीं मैं तो दी है, मैंने उसको कहा ये मिठाई है तो मिठाई खा ले, यही होता है, हम मिठाई खोल के अपन विलाग बनाई यार, विलाग नहीं बनाएंगे, नहीं नहीं आप लोगों गिफ्ट है चाहे जब दिल आपका करे खोले, अच्छा ये आपकी चीज है, तो हमें हमने जो दिखाना दिखा लिया, हाथ जरूर लगवाते जाना है इस पे, ठीक है ना, हमें फीलों के लगने भी खोलने हैं, ठीक है ना, हाँ जी। हाँ अभी लेकिन जिस तरह का वो लग रहा है ना जो इसके लिए हम ले आए ना वो कुछ ज्यादा बड़े ना हो, अभी महीने डेढ़ महीने के बाद ही पूरे आएंगे, इसको अभी अभी पैदा हो रहा है, नहीं बड़ा हो जाएगा माशाल्लाह, सवा महीने के बाद पता ही नहीं लग रहा कि बच्चा कैसे बड़ा होता है, और हाँ जी तो अल्लाह ताला बस सेहत दे, उसी तरह हंसते बसते, हाँ जी आमीन सुमामीन, तो चलते हैं बैठते हैं रेस्ट करते हैं।
देखें जी शेरी को, ये क्या हो रहा है इधर देखो, अभी मार पड़ती है, मैं नहलाती हूँ इसको। तो अब हम जा रहे हैं इस गेट से बाहर थोड़ा सा घूमने फिरने, खाना खाया है तो सोचा हजम कर लें। तो खाना खा के मैं इनका खाना हजम करवाने लाई हूँ, क्योंकि अभी इन्होंने खाया है थोड़ा मसालेदार खाना, मीठा भी खाना बाकी है। तो मैंने कहा आप हजम कर लें फिर चलते हैं घर वापस, मीठा खाते हैं। अच्छा मुझे आपका ये रास्ता बहुत अच्छा लगता है, ये वाला। कौन सा? ये वाला। क्यों, ये रास्ते में क्या? ये ना एक ऐसे वो बना हुआ है जैसे वो दिखाते हैं ना टीवी वगैरह में, वो खेत होते हैं साइडों पे, और बिल्कुल ऐसे इस साइड पे बना होता है, बीच में से रास्ता जा रहा है। इससे ज्यादा प्यारे रास्ते भी होते हैं जो बिल्कुल खेत के बीच में से हो, तो वो जरा मुश्किल होता है चलना। अच्छा और सुनाए तबीयत वगैरह का? बिल्कुल ठीक है, अब तो पहले से, पहले ये शुरू शुरू में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम थी, अब ये जैसे जैसे दिन ब दिन गुजरते जा रहे हैं पहले से बेटर होती जा रही है। अच्छा हम शॉपिंग करने गए थे छोटू के लिए, तो वो सबने कहा कि नहीं वो सुहान के लिए, मैंने कहा सबको पहले पता लग गया था। तो जी आप लोग सही थे, और जिन्होंने इतना प्यार आप लोगों के लिए जिताया कि उनको पहले से पता था कि हम आप लोगों के लिए हमारा रिलेशन है आपस में, बिल्कुल। और अभी तो वो फिलहाल वहाँ से जो हमें मिला था ना, वो अक्सर कह रहे थे कि आप ना किसी वो ब्रांड के ले जाए, मतलब वो जैसे होती है अच्छी कंपनी। हाँ लेकिन हमारे ना उसमें नहीं है, इस्लामाबाद वगैरह जाओ ना तो वहाँ मिलते हैं बड़े शहर में। हाँ तो इंशाल्लाह ताला हमारा चक्कर लगा तो वो छोटा जो है ना वो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तब मेरे बिल्कुल इंशाल्लाह। तो पहले तो हम जाते नहीं थे अक्सर, और अब तो जाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ना अब तो घूमना फिरना होता रहेगा, शॉपिंग भी होती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। ताला इकट्ठे जाएंगे हम लोग और शॉपिंग करेंगे बिल्कुल किसी अच्छी जगह से, अच्छी जगह से किसी बड़े शहर जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे शॉपिंग भी बिल्कुल। आप खैरियत से पहुंचे थे आज? हाँ बिल्कुल, आज तो बहुत ही आसानी से पहुंच गए क्योंकि हम पहले फर्स्ट टाइम आए थे तो काफी पता था, तो बस ये है फर्स्ट टाइम ये मुश्किल होती है थोड़ी बहुत फर्स्ट टाइम ना। जगह नहीं देखी होती ना कि कौन सा रास्ता जाता है, नहीं एक बात है आप फर्स्ट टाइम हम आए थे तो आपके घर का रास्ता हमें टेढ़ा मेढ़ा लगा था, लेकिन इस बार सीधा लगा। और वो सेकंड टाइम का फर्क यही होता है, वो रोड भी बन गया, हमने कहा फिरोज भाई ने गाड़ी ली है तो उन्होंने रोड बना दिया, इस बार बड़ी गाड़ी लेंगे तो वो बना देंगे, रनवे बना देंगे। तो इंशाल्लाह ताला, और अब आप लोग घर भी बनाने लगे हैं इंशाल्लाह, इरादा है बहुत जल्दी शुरू करने हैं। तो ये जमीन वगैरह किसकी है? ये जमीन हमारे दादा जी की है। अच्छा ये वाली मतलब आप लोगों की है ना एक तरह से? हाँ हमारी। हाँ जी तो अभी तो बुजुर्गों के हाथ में होती है बिल्कुल, तो घर का जो बड़ा होता है उन्हीं के हाथ में होती है। हाँ, जब अल्लाह मियां उनकी जिंदगी बहुत लंबी रखे। लेकिन ये है कि जब इंसान अपनी जो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस आप समझते हैं कि अभी तो हमारे दादाजी जिंदा है उन्हीं के पास, जैसे उनके बाद उनके बेटों को होंगी। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ये तो घर अल्लाह सबको सलामत रखे, वक्त के साथ साथ ये आगे चलता रहता है काम, सिलसिला बढ़ता रहता है। और ये नलका भी लगा हुआ है? ये नलका ये हमने फिलहाल हाल ही लगवाया है। हाँ पिछली बार नहीं थे, पिछली बार नहीं था, देखा होगा। और इधर वो नहा भी रहे थे, बच्चे नहा रहे थे, नहीं दादा बू भी नहा रहे थे। हाँ वो नहाते रहते हैं क्योंकि ये ना आपको पता है अंदर बिजी हो जाते हैं नलके बगल, बच्चे कपड़े धो रहा है कहीं, बच्चे नहा रहे हैं तो बाहर भी काम में आ जाते हैं। हाँ सही है, वैसे भी अच्छा है इधर खेतों के पास है, ठंडा ठंडा। जो है चीजें बेचने वाले आते हैं, कुल्फी बेचने वाले आते हैं, वो भी पानी पीने के लिए पानी पीने, बिल्कुल ये भी बड़ा स्वभाव का काम है। तो इजाजत लेते हैं आप लोगों से, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।